हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस, हर बार की तरह ही आज इस वीडियो में भी हम AEW के कई सारे अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और गाइस, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या शाकिल ओनील AEW कंपनी में अपना रिटर्न करने वाले हैं या नहीं, जिसके साथ ही डॉक्टर ब्रिट बेकर वर्सेस थंडर रोजा इस मैच की फाइनल व्यूअरशिप सामने आ चुकी है और ये भी रिवील हो चुका है कि AEW इस मैच को कितनी देर से प्लान कर रही थी। और हाल ही में MJF ने भी एक ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है। और गाइज, इथन पेज के AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर थोड़े फार डिटेल सामने आए हैं, जिसके साथ ही मेरे पास आपको देने के लिए हमारे चैनल के एप्लीकेशन से रिलेटेड एक अपडेट है, जिन सभी अपडेट्स के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं हमारे चैनल के एप्लीकेशन की। तो गाइज, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि मैं आपके लिए हमारे चैनल की एक एप्लीकेशन लाने वाला हूँ, जिस एप्लीकेशन में आपको हमारे चैनल पर आने वाला सभी कंटेंट और AEW के सभी रियल टाइम अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जो एप्लीकेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो गाइज, आप प्ले स्टोर के ऊपर जाकर इलीट रेसलिंग नाम से हमारे एप्लीकेशन को सर्च कर डाउनलोड कर सकते हैं। पर अभी वो सिर्फ एक डेमो एप्लीकेशन है और मैंने वो एप्लीकेशन सिर्फ टेस्ट करने के लिए निकाली थी। पर फाइनली मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज, हमारे चैनल की ओरिजिनल और ऑफिशियल एप्लीकेशन तैयार है और आपको बहुत ही जल्द यानी कि एक दो दिन के अंदर अंदर हमारे चैनल की नई एप्लीकेशन मिल जाएगी, जहां से आप हमारे चैनल पर आने वाला सभी कंटेंट और AEW के रियल टाइम अपडेट्स टाइम टू टाइम जान सकते हैं। पर पिछले दो हफ्तों में मैंने हमारे चैनल के ऊपर रेगुलर अपडेट्स नहीं दिए, इसीलिए सॉरी। पर आपको भी पता होगा कि पिछले दो हफ्तों में मेरे एग्जाम्स थे, जिसके बाद में हमारे चैनल के ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा था, इसीलिए मैं उस एप्लीकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। पर दो दिन बाद जब हमारे चैनल की रियल एप्लीकेशन रिलीज होगी तो उसके बाद से आपको हमारे चैनल के ऊपर आने वाला सभी कंटेंट और AEW के सभी रियल टाइम अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको हमारे चैनल के एप्लीकेशन में पता चलते ही रहेंगे। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस, जानते हैं कि AEW थंडर रोजा और ब्रिट बेकर के बीच में इतना तगड़ा मैच कितने टाइम से प्लान कर रही थी, और क्या ये AEW का बहुत पहले से ही प्लान था कि AEW इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में इतना तगड़ा मैच बुक करने वाली है। तो गाइस, अगर आपने हमारा इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल सेंट पैट्रिक्स डे स्लैम शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के विमेंस डिवीजन से काफी बढ़िया मैच देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री का अब तक का ये विमेंस डिवीजन का सबसे ब्रूटल मैच था। पर गाइज, हाल ही में ये मैच खत्म होने के बाद इस मैच के ऊपर बात करते हुए अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर डेव मैटजर ने इस मैच को लेकर थोड़े फार और अपडेट्स दिए है। और यहाँ पर बात करते हुए डेव मैटजर ने बताया कि AEW ने ये मैच बहुत पहले ही प्लान कर लिया था, और ये AEW का बहुत पहले से ही प्लान था कि AEW अपने विमेंस डिवीजन में इतना ब्रूटल मैच करवाने वाली है। और मैटजर के हिसाब से ये AEW का करीब करीब 6 महीने से प्लान था कि वो अपने टेलीविजन के ऊपर उनके विमेंस डिवीजन के थ्रू इतना ब्रूटल मैच करवाने वाले हैं, जो डिटेल्स हाल ही में डेव मैटजर ने शेयर की है। और यहाँ पर डेव मैटजर का कहना है कि AEW ने ये मैच करीब करीब 6 महीने पहले से ही प्लान कर रखा था, जिस वजह से मुझे लगता है कि ये मैच एक काफी अच्छा मैच हो पाया है और प्रोबेबली ये मैच AEW के विमेंस डिवीजन को एलिवेट करने के लिए मदद कर सकता है। और आप भी इस मैच के ऊपर अपने थॉट्स मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज, हम लगे हाथ इस मैच की व्यूअरशिप भी जान लेते हैं और जान लेते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो को जब ब्रिट बेकर और थंडर रोजा के मैच ने यानी कि विमेंस डिवीजन के मैच ने मेन इवेंट किया तो यहाँ पर इस मैच को कितनी व्यूअरशिप मिली है और इस मैच की एक्चुअल व्यूअरशिप क्या है। तो गाइज, मैंने आपको इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बताते हुए कहा था कि इस वीक के डायनामाइट शो की ओवरऑल व्यूअरशिप 768K व्यूअर्स रही, पर हाल ही में इस वीक के डायनामाइट शो की पर क्वार्टर व्यूअरशिप भी आ चुकी है। और अपने लेटेस्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर बात करते हुए डेव मैटजर ने रिवील किया कि गाइज, इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट में यानी कि थंडर रोजा और डॉक्टर ब्रिट बेकर के मैच ने AEW के करंट व्यूअरशिप से 119K व्यूअर्स AEW की तरफ ओवरऑल व्यूअरशिप में अट्रैक्ट करवाए थे, यानी कि करीब करीब एक्स्ट्रा 119K व्यूअर्स AEW के डायनामाइट शो का मेन इवेंट देखने के लिए आए थे, जिनमें से 59,000 व्यूअर्स 18-49 एज डेमोग्राफिक के बीच में थे। जो रिपोर्ट शेयर कर डेव मैटजर ने ये तो रिवील कर दिया है कि डॉक्टर ब्रिट बेकर और थंडर रोजा के मैच ने AEW की तरफ एक्स्ट्रा कितनी ऑडियंस ग्रैब करवाई है, लेकिन गाइज, हमें ये
नहीं पता कि तब AEW की एक्चुअल व्यूअरशिप कितनी थी, जिसके ऊपर डॉक्टर ब्रिट बेकर और थंडर रोजा के मैच ने 119K व्यूअर्स ऐड करवाए हैं। पर फिर भी देखा जाए तो AEW के डायनामाइट शो के मेन इवेंट को काफी सारे लोगों ने देखा है और मुझे लगता है कि आज के बाद AEW के फैंस AEW के विमेंस डिवीजन से काफी बढ़िया बढ़िया मैचेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि आगे AEW की विमेंस अपने फैंस के होप्स के ऊपर डिलीवर कर पाती है या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में MJF ने कौन से नए ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है। तो गाइज मैंने आपको टाइम टू टाइम बताया है कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर या फिर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हर कोई लोग उस नाम को ट्रेडमार्क करवाते हैं जो नाम वो अपने इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे कि वो नाम उनके अलावा कोई और इस्तेमाल ना कर सके। और इसीलिए AEW और WWE कंपनी ने अपने कई सारे पेपर-व्यूज, टीवी शोज और अपनी कंपनी के नाम तक को ट्रेडमार्क करवाया है। और ऐसे ही हाल ही में MJF ने एक ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है और MJF चाहते हैं कि उस नाम का ट्रेडमार्क MJF को मिले। और गाइस ये ट्रेडमार्क कोई और नहीं बल्कि MJF के पूरे नाम यानी कि मैक्सवेल जेकब फ्रीडमन के इनिशियल्स यानी कि MJF ही है, जिन इनिशियल्स का ट्रेडमार्क फिल करने के लिए MJF ने अप्लाई किया है। तो देखना पड़ेगा कि MJF को इसका ट्रेडमार्क मिलता है या नहीं, क्योंकि गाइज मैंने कहीं तो पढ़ा था कि इनिशियल्स को ट्रेडमार्क नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका कोई फुल फॉर्म ना हो। तो देखना पड़ेगा कि अब MJF के नाम का ट्रेडमार्क MJF को मिलता है या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इथन पेज के AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर और कौन कौन से डिटेल सामने आए हैं। तो गाइज हमने AEW रेवोल्यूशन पेपर्व्यू में कैसीनो लैडर मैच के अंदर इथन पेज का AEW के अंदर डेब्यू देखा था, जिसके बाद AEW ने ये क्लियर कर दिया है कि गाइज AEW ने इथन पेज को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है और अब इथन पेज भी ऑल इलीट हो चुके हैं। लेकिन गाइज हाल ही में अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए इथन पेज ने अपने AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर थोड़े फार और डिटेल शेयर किए हैं। और अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी रेसलर किसी भी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करता है और ऐसा ही एक कॉन्ट्रैक्ट इथन पेज ने AEW कंपनी के साथ साइन किया है। और अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर इथन पेज ने अपने कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन बताई है और यहाँ पर बात करते हुए इथन पेज ने कहा कि इथन पेज ने AEW कंपनी के साथ करीब करीब 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अब भी उन्हें AEW कंपनी में काफी सारी चीजें अचीव करनी है, जो बातें इथन पेज ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कही है, जिससे तो ये क्लियर हो चुका है कि इथन पेज का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट करीब करीब 3 साल का है। तो अब देखना पड़ेगा कि आने वाले 3 सालों के अंदर अंदर इथन पेज AEW कंपनी के अंदर क्या क्या अचीव कर पाते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन और सबसे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि क्या शाकिल ओनील AEW कंपनी में अपना रिटर्न करने वाले हैं या नहीं। तो गाइज अगर आप AEW को 1 महीने से भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि AEW डायनामाइट स्पेशल क्रॉसरोड शो पर कोडी रोड्स, रेड वेलवेट, शाकिल ओनील और जेट कारगिल का एक मैच हुआ था, जिस मैच के अंदर शाकिल ओनील ने AEW के टेलीविजन के ऊपर पहली बार रेसल किया था और उस मैच में काफी ब्रूटल स्पॉट के अंदर शाकिल ओनील एक टेबल के थ्रू भी गए थे, पर किसी तरीके से जेट कारगिल ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया था। और उस मैच के बाद हमने ये भी देखा था कि मैच खत्म होने के बाद AEW के सभी कास्ट एंड क्रू शाकिल ओनील को एक एम्बुलेंस के अंदर ले जा रही थी, पर जब वहां पर टोनी शिवानी शाकिल ओनील का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे तब शाकिल ओनील एम्बुलेंस के अंदर से गायब थे, जो एक छोटा सा सेगमेंट हमें AEW के डायनामाइट शो के ऊपर देखने को मिला था। पर गाइज हाल ही में इस सेगमेंट के ऊपर बात करते हुए डेव मैटजर ने थोड़े फार अपडेट्स दिए हैं और अपने लेटेस्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के अंदर बात करते हुए डेव मैटजर ने कहा कि हमें AEW डायनामाइट्स क्रॉसरोड शो के ऊपर शाकिल ओनील का जो आखिरी एम्बुलेंस के अंदर डिसअपीयरिंग का जो सीन देखने को मिला था, वो सीन शूट करने का आइडिया खुद शाकिल ओनील का था और ये सीन शूट करने के पीछे एक रीजन भी है, जो रीजन भी डेव मैटजर ने अपने पॉडकास्ट के अंदर बताया है। और यहाँ पर डेव मैटजर ने रिवील किया कि गाइज शाकिल ओनील AEW के डायनामाइट शो के ऊपर दोबारा से आना चाहते हैं और वो AEW कंपनी के अंदर एक और मैच रेसल करना चाहते हैं। इसीलिए शाकिल ओनील ने अपने मैच के आखिर में स्पॉट किया, जिससे कि लोगों को भी लगे कि शाकिल ओनील कहाँ गए हैं और यहाँ पर शाकिल ओनील के कमबैक के लिए थोड़ी फार हाइप बन सके। जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और आपको क्या लगता है कि शाकिल ओनील को AEW कंपनी के अंदर एक और मैच रेसल करना चाहिए या नहीं। पर मुझे लगता है कि अगर शाकिल ओनील की वजह से AEW को फायदा होता है तो मेरे हिसाब से शाकिल ओनील को फिर एक बार AEW के डायनामाइट शो के ऊपर लाने के लिए कोई हर्ज नहीं है। पर अब तक ये कंफर्म नहीं है कि शाकिल ओनील हमें कब तक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं और हम सब सिर्फ होप कर सकते हैं कि शाकिल ओनील का AEW कंपनी के अंदर एक काफी तगड़ा कमबैक हो। पर गाइज हमारी आज की वीडियो यहीं तक की थी और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video?
Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?